हे गाइस, नमस्कार। जैन, कैसे हैं आप लोग? गाइस, ऐसा करती हूँ आप लोग चुंग मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में, जो कि गाइस आईपीएल एंड बिग बैश लीग के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई टॉप की लीग है तो उसका नाम है कैरिबियन प्रीमियर लीग है, जिसमें वर्ल्ड क्रिकेट के नामी प्लेयर्स खेलते हैं। यहाँ पे सबसे ओल्ड लीग में से एक है जिसका 12th सीजन चल रहा है, जिसमें 6 टीमें खेल रही हैं। तो हम बात करते हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग 2024 के मैच नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के मुकाबले सेंट और किट्स और नेवी पैट्रियस से होगा। ये दोनों टीमों का यहाँ पे पहला मैच है, उनका टारगेट एक बेहतरीन शुरुआत करना होगा। यह मैच 30 अगस्त को एंटीगुआ के विवा रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह सुबह 5 बजे से स्टार्ट होगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन एंटीगुआ में वेदर क्लॉडी रहेगी, हल्की धूप खिली रहेगी, टेम्परेचर लेवल बहुत ही लो रहेगा। रेन चांसेस 40%, ह्यूमिडिटी 67%, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और पिच एनालिसिस की बात करें तो सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउंड और एंटीगुआ बैटिंग के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। पिछले कुछ सालों में हमने कई स्कोरिंग मुकाबले देखे हैं क्योंकि पिच सपाट हो गई है और आउटफील्ड तेज हो गई है। फास्ट बॉलर से इस जगह पर यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है और स्पिनर को भी बॉल्स एंड टर्न मिलती हैं। पिच समतल होगी जैसा कि हाल में ही अधिकांश मैचेस में देखा गया है और बॉलर्स को सतह में कुछ शुरुआती हलचल मिलेंगी, लेकिन इससे बैटर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 17%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 83%। एवरेज स्कोर की तरफ देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 143 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 127। दोस्तों बात करते हैं 28 की तो नॉन है, और एंटीगुआ फाल्कन्स शॉर्ट एनालिसिस की बात करें जो कि यह फाल्कन्स के लिए पहला सीजन होगा क्योंकि यहाँ पे जमिया तलवाला रिप्लेस करके आए हैं और उन्होंने जमैका फ्रेंचाइज के ज़्यादातर प्लेऑफ में टीम में शामिल किया है और ब्रेंडन किंग को कप्तान बनाया है। और किंग इस गेम में फ्रंट से लीड करना चाहेंगे। ओपनिंग में ब्रेंडन किंग और फक्कर जमान अच्छी स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों ही अटैकिंग प्लेयर हैं। तो मिडिल ऑर्डर में सैम बिलिंग्स, इमाद वसीम और टीमी और टेडी बिशप हैं, और टीम का लोअर ऑर्डर मजबूत दिख रहा है और उन्हें भी बेबियन और फेवियन एलन एंड स्मर और स्प्रिंग और टिक्रिस ग्रीस को भी सभी रनों की उम्मीद होगी उनसे। और बॉलिंग में टीम को न्यू बॉल के साथ मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को दमदार परफॉर्म की उम्मीद होगी क्योंकि पैट्रियट्स की बैटिंग लाइनअप में स्ट्रॉन्ग है। और क्रिस ग्रिस की फेवियन एलन और हेडन वॉल्स को मिलकर अच्छी बॉलिंग करनी होगी। प्लेइंग आर्डर की बात करें तो और ब्रेंडन किंग जो कप्तान है, ईमान वॉशिम और फेवियन एलन और क्रिस ग्रीन स्मरण और स्प्रिंगर मोहम्मद अमीर और सैम बिलिंग्स विकेट कीपर हैं और फकर जमान और हेडन वॉल्स और टेडी विशप है और क्लिकल पिटमैन है। बात करें की प्लेयर्स की तो ब्रेंडन किंग, फेव एलन और सैम बिलिंग्स। बात करते गाइस एसटी किट्स पैट्रियट्स शॉर्ट एनालिसिस की तो एवन और एविन लुइस उनके पास पिछले प्लेयर्स में पिछले सीजन की हार को पीछे छोड़ना चाहेंगी क्योंकि लास्ट सीजन उन्होंने केवल एक गेम जीता है और पॉइंट टेबल में सबसे नीचे हैं। तो आंद्रे फ्लेचर और एविन लुइस पिछले सीजन में खराब परफॉर्म किया है था और टीम को इस जोड़ी में स्ट्रॉन्ग शुरुआती की उम्मीद होगी। मिडिल ऑर्डर में रिली ऑडोसो और सिरफिन और रदरफोर्ड और काइल मिल्स हैं और सिकंदर आजम और जोहाना लेने को और डोमिनिक और ड्रेक्स और मॉडर में बड़े हिट लगाने की कोशिश करेंगे। टीम के पास पिछले सीजन के कंपेरिजन से स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक हैं और एनरिक नोटर्स ने और डियन स्मिथ स्पेल की स्टार्ट करेंगे। स्पिन बॉलिंग में तेज और तबरे शमसी और काइल मेयर्स को सिकंदर राजा खेल रहे हैं और सिर्फ रदरफोर्ड और जोहाना लेनिंग और मोडिनिक और रिक्स टीम के और अदर बॉलर्स भी हैं। प्लेइंग आर्डर की बात करें तो एविन लुइस हैं जो कप्तान हैं, आंद्रे फ्लेचर जो विकेट कीपर में, रेली रोसो सिर्फ रदरफोर्ड, जोहान लेने और डोमिनिक ड्रेक्स है, सिकंदर राजा हैं, ओडियन स्मिथ हैं, एनरिक नोटरेस हैं और तबरे शमसी हैं और काइल मेसर्स हैं। की प्लेयर्स की बात करें तो कैली मेयर्स, रेली रोसो और एविन ल्यूस हैं। दोस्तों बात करते हैं ड्रीम इलेवन फैंटेसी टीम की जो कि विकेट कीपर में एंड्रे फ्लेचर है, बैटर्स में शामिल है और एविन लुइस और ब्रेंडन किंग, सैम बिलिंग्स।
बात करें बॉलर्स की तो एनरिक नॉटिस है, तब ऋषभ सिंह है और हेडन वॉल्स हैं, और लॉर्डन में शामिल हैं सिर्फ रदरफोर्ड, एकेली में सिर्फ मेयर्स और फेव एलेन हैं, क्रिस ग्रीन हैं। प्रोडक्शन की दोस्तों बात करें तो एंटीगुआ और बारबुडा और इनके न्यू फ्रेंचाइज हैं जो कि प्लेयर्स को एक यूनिट के रूप में अच्छा खेलने और कुछ टाइम लग सकता है। और सेंट किंग्स और नेविस प्रेंट्रियस के पास कई एक्सपीरियंस ऑलराउंडर हैं जो कि उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिसको देखा जाए तो मैच का विनर एसटी किट्स पैट्रियस हो सकता है। तो गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े नई खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि गाइस वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे मैच से रिलेटेड, मैच प्रोडक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।